मतलब अभी एक ट्रेलर देखा था, मतलब जब कल कॉलेज में था मैं ट्रेलर देखा, और मैं कहा कि मैं इसके ऊपर रिएक्शन देता हूँ। पर मैंने जब ट्रेलर देखा मैं कहा कि भाई क्या चीज़ है ये। मतलब वो जो ट्रेलर था, क्या नाम है, अवतार द वे ऑफ वाटर का जो मूवी है जेम्स कैमरॉन की, अवतार का सेकेंड पार्ट है फाइनली, मतलब मैं समय की बात आ रहा है कि, और मतलब जब मैं मतलब है ना देख के पहला ट्रेलर मेरे को लगा थोड़ा सा आर्टिस्टिक है जो पहला ट्रेलर आया था इसका। अब जो दूसरा ट्रेलर आया है वो लगता है भाई असली मान ये है। मतलब इसमें वो चीज़ें जो कि हम ट्रेलर में होती हैं अक्सर, मतलब जो है ना ऑडियंस को एक्साइट कर देती है। और जैसा आपको पता है मैं एक नल्ला सा नंबू सा बंद बच्चा हूँ जो कि मैं यहाँ पे प्रिटेंडर है। मतलब ये जो देख ट्रेलर देख के मैं कहा कि वो मतलब बहुत मजा आ रहा है, मैं उसके ऊपर घर जाते साथ वीडियो बनाएगा। और जैसे मैं घर गया मैंने खोला एक बार यूट्यूब देख लिया था कि ट्रेलर को लेने के, फिर इतने में मेरे को एक ट्रेलर और देता है शहजादा। और जब मैंने वो ट्रेलर देखा तो मैंने अपने आप को कि मैं अब किसके ऊपर रुक क्या हुआ रूँ, या तो मैं अच्छे टेलर के ऊपर बनूँ या फिर उससे कई ज़्यादा बुरे टेलर के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से शहजादा आया वो मतलब एक रीमेक है साउथ की मूवी अल्लू वेंकटपुरम की, तो क्या मैं अल्लू अर्जुन की है। और मतलब जिस तरह से मतलब मैंने कहा कि भाई रीमेक के मैंने साथ मूवी देखी है, मतलब पूरी नहीं देखी पर थोड़ी थोड़ी टी वी में आई है तो मैंने नजर जमा के देखी है। और मेरे को ऐसा लगा कि बिल्कुल उन्होंने वही सीन में जो शेप दिया है, बस कार्तिक का फेस रेंडर कर दिया है, थोड़े बहुत शॉट बदल दिए क्योंकि साउथ की मैम पैसा वैसा आ गया था, उन्हें ग्लोरीफाई वगैरह कर दिया है। मैं कहता भाई चला क्यों, मतलब ना अभी कार्तिक की अच्छी मूवी आई है तो उसको ना हाइप बनाने के लिए फरवरी 2023 में आने वाली ये मूवी उसका जो है ना लोगों ने टीजर रिलीज कर दिया ताकि ए हो जाए कि अब फिर कार्तिक आर्यन के ऊपर से सवाल होने की कोशिश कर रहा है, पर बहुत बुरे गएंगे मुँह के बल गिरेंगे और मुँह टूट जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं तीसरे ट्रेलर के बारे में जो मैंने देखा बाद में जब मैंने इसके मैं इसको रोस्ट करूँ। तो वो थी भोले, मतलब भाई यार जो ट्रेलर था देख के पहले तो मज़ा आ गया, जैसे जो कैमरा शॉट जैसे कि जो डायलॉग मारे हैं वो मेरे को अच्छे लगे पहली बार। मतलब मेरे को पता है कि ये रीमेक है कैथी मूवी का, वो जो उसमें फील हो जाता है मतलब है ना उस तरह से कुछ जिस तरह से हमने दिखाया है वो पता चल जाता है कि कैथी मूवी का रीमेक है, जो एक यूनिवर्स का पास है जिसमें लेटेस्ट मूवी आई थी विक्रम। और अब मैं विक्रम मिली तो मैं नहीं कर रहा आपसे बात, मैं नहीं करूँगा आपसे बात। मतलब भाई ये भोला है ना कैथी मूवी का रीमेक होने वाली है, और क्या नाम है जो जिस तरह से दिखाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब जिस तरह की मेरी पर्सनल टेस्ट है वो देखने में अच्छा लग रहा है, और मैंने कैथी देखी पहले कैथी देखी हुई है पर मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या डायरेक्ट लेते हैं, किस तरह से दिखाएंगे। अजय देवगन है, अजय देवगन की खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं, और अजय देवगन की जो डायरेक्टिंग मूवी वो काफ़ी अच्छी है। जैसे हमने शिवा देखी हुई, शिवा में जैसे जो डायरेक्ट किया था कैमरा एंगल वगैरह, अरे भाई मतलब मजे आ जाते हैं देख के। मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और अब चौथी मूवी के बारे में बात करते हैं, मेरा नाम है गोविंदा। मतलब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है 16 दिसंबर को। मैंने इसका ट्रेलर देखा, मतलब मैंने देखा नहीं, मतलब जब मैं ये ना ट्रेलर सर्च कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब ने मेरे मुंह पर मूवी क्लिक कर रखा ये देख 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 ऐसे, मतलब उन्होंने कहा कि देखो, और मैंने कहा कि चलो देख ही लेते हैं। और मैंने जब देखा क्या है ये, मतलब पहले जिस तरह से स्टार्ट होता है उस तरह से मतलब है ना मेरे को लगता कि ये कुछ और का तो नहीं है, जिस तरह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार कहीं नेटफ्लिक्स पर नहीं सोच नहीं कर रहा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर लगता है कि इसी मॉडर्न मिस्ट्री के बारे में, और मॉडर्न मिस्ट्री मतलब मेरे को बहुत एक्साइटेड लगती है। पर है ना ये मेरे को जिस तरह से ने नाम चूज़ किया वो है मेरे को पॉलर में डाल सकता है, और जैसे बॉलीवुड की बॉलीवुड मतलब सुधरने के नाम ले रहा मतलब उसका नाम बदल सकते थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं देखो ये यहाँ पे है ना ये मुँह काला हो सकता है और यहाँ पे अच्छी मूवी हिट जा सकती है, तो क्या करें ये चुनना ये चुनते हैं। मतलब भाई अंदर ना कॉन्ट्रोवर्सी करने बिना मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, अब अच्छी मूवी बना दीजिए एक बार के लिए पर नहीं चलेगा, पर आपको कॉन्ट्रोवर्सी करनी है। अब दूसरी बात करने वाले हैं जिसको तो मैंने देखा और मैंने कहा कि मेरा पूरा मूड खराब हो गया था, नहीं मतलब इससे भी ज़्यादा खराब हो गया था। एक्शन हीरो, मतलब एक्शन हीरो था जो उसमें मतलब मैं स्टार्टिंग में देखा मैंने कुछ मॉडर्न मिस्ट्री है, हाँ ये भी मॉडर्न मिस्ट्री है, पर जो मॉडर्न मिस्ट्री देख के मैंने कहा कि कुछ अच्छा होने वाला है कि मज़ा आएगा वगैरह है ना कि थोड़ा ठीक ठाक होगा। पर जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता गया ये एवरेज से डिजास्टर चला गया, अब तो इतना नीचे गिर गया कि मैं देख भी नहीं पा रहा। मतलब जिससे सुनने जो अपने ऊपर है ना कहा कि जो बायकॉट कर रहे हैं उनका जो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है वो देख के मैं कहूँ क्यों भला क्यों भला, लकड़ी पड़ी है यार में उसको काहे को अंदर लेने की कोशिश करते हो यार फालतू में, लकड़ी को पड़े रहने दो वहीं पे,
पर इनने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं, लकड़ी और लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में। आदि कुछ मर्यादा का पालन करते हुए यहाँ पे, मतलब अब उसके बाद मैंने देखा एक, उससे बहुत समय पहले मैंने देखी थी एक मूवी आ रही है G5 पे 2 दिसंबर को, उसी इंडिया अंडर लॉकडाउन। मैंने कहा कि अच्छी बात है कि जिससे उन्होंने दिखाया परसेप्टिव, मैंने कहा कि अच्छी है ये, क्योंकि मतलब जो ना सीरियस टॉपिक में होने वाली है थोड़ा, मतलब है ना, ओके अच्छा है, ठीक है ठीक है। फिर मुझे एक डायलॉग आता है, जब लोग गरीब लोग तो भूखी से मर जाएंगे, और फिर मेरे को याद आया एक सेकेंड, फिर मैं थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करी, मेरे को याद आया कि सरकार ने करीब 70 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त ना जाता है, और जिनमें से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं नहीं हूँ ऑफकोर्स, मैं जितना अमीर नहीं हूँ पर मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि है ना कि मुझे अब खाने लेना पड़े सरकार से, अभी तक तो नहीं हूँ। सब्सक्राइब कर दो ये गरीब यूट्यूबर को, सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं खाना दे सकूँ। मैं तो भूखे है ना, पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ तो ऐसे बिना फालतू बात करिए, अब आते हैं सबसे ज़्यादा सीरियस मूवी के बारे में, जो मेरे को सबसे ज़्यादा सीरियस लगी अवतार 2 के बाद, मतलब अच्छी लगी, विधा। ये स्पेलिंग ये यहाँ पे टेलर पोस्टर आ गया होगा, जो मतलब विधा है, मतलब जो मेरे को सबसे ज़्यादा सीरियस लगी हो, जिसमें मतलब अपने जो कैरेक्टर है उनको दिखाया जाता है कि 9 दिसंबर को आ रही है, एक अंडररेटेड मूवी हो सकती है अंडरडॉग, और मैं क्या एक्साइटेड होकर मेरे छोटे से शहर में, जिसमें पूरे किसी पास हो किसी को बताना नहीं, पूरे 2 थिएटर हैं, पूरे 2 थिएटर हैं, और अगर नहीं यहाँ पे लग जाती है जिससे अंडररेटेड लग रही है, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ संजय सर का, जो मतलब इस मूवी में दिखने वाले हैं वो कल, मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ, और मतलब और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और अब मैं इन दी एंड हनुमान की बारे में बात करना चाहूँगा, जिसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, पर मैं इन सबको इंक्लूड करें तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। हनुमान जो मूवी है उसकी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर उसमें मैंने कुछ चीज़ें थी, मतलब जैसे उसका बजट की बात है, बजट 12 करोड़ लिखा विकिपीडिया पर, वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो मतलब है ना 50 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, पर जो क्या नाम है 500 करोड़ तो नहीं है कहीं से भी, जिस हिसाब से जो 12 करोड़ विकिपीडिया कोट कर रहा है, विकिपीडिया पर वैसे नहीं बोल सकते समझे अपनी ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल नहीं भाई, मतलब कल कभी ऐसे काम कर रहे थे जो मेरे को करने नहीं चाहिए, जैसे कि मैं वीडियो ओके बिना सार्केज़म की, मतलब हाँ वजह बजट को लेकर जैसे ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो 500 करोड़ में तो नहीं बनी, ये तो तय है। और अब उसके ऊपर मैं कहा वहाँ पर थोड़ा मैंने एक ऐसे ही अगर अपडेट पसंद आया हो, और ऐसे ही मेरी घटिया चेहरा मेरा मतलब साफ सुथरा चेहरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो चलिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।